बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो कर्म द्वारा, बोलो कर्म द्वार काल का, बोलो द्वारा। जय काली, जय जय मां काली, जय काली, जय काली, जय जय मां काली, जय काली। जय मां काल का। सिद्धपीठ श्री साईं काल का मंदिर निर्माण के हेतु आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जय मां काल का भद्रकाली दरबार जो ट्रस्ट बनाया गया है दरबार की तरफ से, उसकी तरफ से एक अकाउंट नंबर ट्रस्ट ने ओपन किया है। जो ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। उसमें आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग अवश्य दें। दान धनराशि वगैरह देने के लिए आप लोगों को ये अकाउंट नंबर दिया गया है। जो लोग अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं वो लोग दरबार आके सहयोग राशि दे सकते हैं। मंदिर निर्माण के लिए आप लोगों की अति आवश्यकता है और बहुत जल्द ये कार्य संपन्न करना है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो शीघ्र अतिशीघ्र आप लोग हमारी सहायता के लिए आगे आए। जमा करिए। अच्छा, नाम बताओ। आपके पापा का नाम? आपके दादा का नाम? क्या नाम था? गोरीलाल। आपका क्या नाम था? मेरा विनोद। तुम्हारे घर में एक साथ दो भक्तों के इलाज चल रहे हैं क्या? एक तो यहीं का चल रहा है, एक और कहीं का भी कुछ सामान रखा है तुम्हारे घर में? मैंने आपको बताया तो मम्मी मैंने कौन से बाबा पे नहीं तो हम दर्शन करने जाते हैं। हाँ, जैसे मतलब यहाँ नहीं आई थी मैं पता नहीं इधर गद्दी लगती है तो हमारे बगल में ही है गोरखनाथ का भक्त है। तो पुण्य के यहाँ मत जाना, मावत जाना बहुत परेज रहता है, वो मैंने कर ना पाया, मैंने जाना बंद कर दिया। तो उसका कुछ दिया हुआ घर में रखा? हमें पता ही तो उस दिन मैंने क्या बताई तो क्या नाम है जहाँपीर का दिया था, गोरखनाथ का दिया था। क्या दिया था? मतलब चद्दर सी कोई के रख के रहो, जब काम हो जाए चढ़ा देना। तो मैंने मुझे कोई आराम नहीं मिला तो मैं गई नहीं, मतलब जो काम मैंने कर नहीं पाया तो मैं गई नहीं। तो फिर बाबू अपने घर में वजन तो रखा हुआ है ना? तो मम्मी पूछे मैंने आपसे, कोई बात नहीं, जब नहीं आई होगी वो बात आगे उसको चढ़ा दो कहीं तो चढ़ा दो। मम्मी मुझे मंदिर है तो कहीं और चढ़ा दे। पितर जो पितर का भी रखा है, सभी कपड़ा भी रखा है, पितरों का अपने पितरों को देना ठीक है, वो कर देना ठीक हो जाएगा। मैंने हाँ बाबू बताओ कहाँ से आया? मैं रोहिणी से। कितने छीन लिया? मेरे आदमी ने और मेरी बेटी ने। अच्छा जी। मेरा काम धंधा मैं आज 9 महीने से 1 साल से ठोके खा रही हूँ, भूखी मर रही हूँ। तेल लाए? हाँ, तेल लाए। किराए पे रह रहे हो? नहीं, मकान अपना, रोटी के भी लाले हैं, मैं रोटी भी नहीं खा पा रही हूँ, और एक मेरा बच्चा और मैं। अच्छा जी। और ये कौन है? ये मेरा दामाद है, मेरी वाइफ है, इसी की बीवी ने मेरा काम और मेरे आदमी ने, वो अलग रह रही है, इसके साथ भी नहीं रह रही। मेरा काम धंधा मुझे बिल्कुल मुहताज कर दिया, मैं मरती मरती बची हूँ, मेरा सारा जेवर जुवर सब ले गए, मुझे रोड पे खड़ा कर गए। हाँ जी। के नाम बताया? होगा मेरा राज रानी। आपका पति का नाम बाबू? आशु। कहाँ पुराना? वो मालो ठीक है। अब मुझे वो फोटो लाइए तो उसकी। नहीं माँ जी। बेटी की फोटो है? हाँ। दिखाओ। इनके जोत चलाने वाले काम करो, तेल जोत करो। पति वापस इकट्ठा नहीं रहते हैं? नहीं, वो छोड़ गया, चला गया। कहाँ गए वो? अपने घर। अच्छा। और ना आते ना जाते ना दुनिया वापस लाना है। हाँ। तो पिताजी